बहुत स्टूडेंट बहुत पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि बांग्लादेश में रैगिंग होते हैं कि नहीं, इंडिया जैसा रैगिंग होता है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में थोड़ा बहुत रैगिंग होते हैं, रैगिंग टाइप होते हैं। तो सब लोग पूछते हैं कि बांग्लादेश में अगर तुम MBBS करने जाते हो तो तुम यहाँ पर रैगिंग होते हैं कि नहीं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर है लास्ट नाइन अबाउट अबाउट ऑन सात ऑन नंबर ईयर पर है हम लोग। तो हम सब लोग मिलके बात करेंगे तो अब सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रैगिंग होता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर रैगिंग नहीं होते, दैट इज क्लियर कट आंसर। यहाँ पर रैगिंग नहीं होते क्योंकि हमें पता है इंडिया में जो जो भी हमारा फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर रैगिंग होते हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब बिल्कुल से ऐसा कुछ भी नहीं होते क्योंकि यहाँ पर सीनियर्स वगैरह बहुत फ्रेंडली है, सीनियर्स सब सीनियर्स फ्रेंडली है। एंड हाँ, फर्स्ट टाइम में तुम्हारा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दे देते हैं इंट्रोडक्शन यार। हाँ इंट्रोडक्शन होते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होते यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पे कोई डरने का कोई चीज नहीं, ठीक है। यहाँ बस सीनियर्स एक नॉर्मली तुम्हें एक बुलाते हैं, इंट्रो लेते हैं, नाम पूछते हैं कहाँ से हो कहाँ से नहीं, क्योंकि वो एक आपस में एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, यस वो गैप को फिल करना चाहते हैं कि एक जो फर्स्ट फ्रेशर जो आया और एक जो पहले से यहाँ पे, बिल्कुल, उनके बीच में कोई गैप ना रहे, वो कंफर्टेबली कितना बात कर झूठ बोलता है सके। यार। पहली बात है ना, यहाँ पे जो सीनियर्स आते हैं, ये डरने की तो कोई बात नहीं, बस फिर से एक जस्ट बार चिल फिर रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग भी है, हम लोग MRMC 12 के हैं, तुम लोग MRMC 13 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, बस सीनियर्स एक नॉर्मली एक फॉर्मली टॉक करने के तुमको बुलाते हैं कि जैसे देखते हैं कि एक बच्चे के अंदर जो बाहर से आते हैं फ्रेशर्स हो तुम लोग, हम लोग पहले से यहाँ रह रहे, तो यहाँ के हम लोग हालात, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे हम लोग वाकिफ रहते हैं कि कैसे कहाँ कब किसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे रास्ते में जा रहे हो या सलाम देना है, कि कॉलेज प्रेमिसेस में कैसे चलना है। तो ये बात होती है कि यहाँ पे बच्चे को बुलाया जाता है, एक आपस का जो कम्युनिकेशन गैप जो नहीं होना चाहिए, तो नहीं जैसे गैप को फिल करने के लिए जैसे, तो उसके लिए हमें सीनियर्स बुलाते हैं, वो बच्चे से पूछते हैं कहाँ से हो, वो आपस में इंटरेक्ट करता है, अगर तुम्हारे सेम स्टेट से हुए या सेम डिस्ट्रिक्ट से हुए तो तुम लोग आपस में कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो बुलाते हैं। बस नॉर्मल दो तीन मिनट का टॉक होता है, उसके बाद तुमको फिर आपस में हंसी मजाक होता है, कोई चीज का वरी करने का नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से आना है, सलाम करना है सीनियर्स। हाँ एक चीज है, रेस्पेक्ट खुदा पाने के एवरीवन। बाद सिखा दूंगा, बस आप आ जाओ। कुछ प्रॉब्लम तो देखो, हम सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर सलाम देना एक फॉर्मेलिटी, तुम जैसे बोलते हो, तो यहाँ पर सब लोगों को टीचर्स से लेकर सीनियर तक जो इंटर्न करते सब लोगों को सलाम देना पड़ता है, क्योंकि ये एक रेस्पेक्ट होता है, तो वो तुम्हें थोड़ा फॉलो करना तो पड़ेगा। थोड़ा सा तुम सवाब भी कमा लोगे सीधे। हाँ, तो यही और कुछ भी नहीं। तो कुछ बोलेंगे? देखो बात क्या होता है ना कि सलाम देने से कुछ गलत नहीं बिल्कुल होता है, ठीक है, सलाम देने से तुम्हारा और भी बेहतर ही हो रहा है, तुम एक रेस्पेक्ट दिखा रहे हो क्योंकि तुम सबसे यहाँ पे सबसे नीचे सबसे जूनियर तुम ही हो, तुमसे जूनियर कोई नहीं है यहाँ पे, तो तुम एक सलाम दे दोगे उससे तुमको सवाब मिल जाएगा और तुम्हें एक रेस्पेक्ट भी गेन करोगे। हाँ बच्चे का इमेज अच्छा है, भाई बच्चा सलाम करता है, ये सब कुछ करता है, तुम रिस्पेक्ट दोगे तो मेरे रिस्पेक्ट होगी। लेकिन आप कुछ बोलेंगे? तुमको कैसे रहना है, टीचर के साथ कैसे पेश आना है, क्योंकि टीचर प्रोफेसर उनके सामने रिस्पेक्टली बात करना होगा, सबके साथ अच्छे से पेश आना होगा, क्योंकि एग्जाम देना है तुमको, मास उनको कराना है, ठीक है, तो अच्छे से सबके साथ रहना होगा। आप सीनियर से सीनियर के साथ भी अच्छे से, सीनियर्स जो है उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग सब बिजी रहते हैं, सारे सीनियर्स अपने अपने ईयर्स में बिजी रहते हैं, सब पढ़ने में बिजी रहते हैं, तो उतना ज्यादा रैगिंग तो यहाँ पे होने का चांसेस है नहीं। बताएंगे कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो, कोई टीचर है कंप्लेन कर रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बैच के बारे में, तो वो चीज हम लोग का बताने का काम है कि हाँ हम सीनियर है, तो हम तुमको बताएंगे कैसे रहना है यहाँ पे, क्या गलती की हो सब समझाएंगे तुमको। लेकिन यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि हाँ तुमको आगे सीनियर बोले कि हाँ चल दिया यहाँ पे इसे कर वो से कर, तो उतना टाइम नहीं है किसी के सीनियर के पास। आएंगे तुमको प्रॉब्लम होगा तो हमसे, हम लोग से पूछोगे हम लोग बताएंगे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा या फिर तुम लोग का कोई प्रॉब्लम होगा हम लोग बता सकते हैं, हेल्प करेंगे सब चीज़, तो यहाँ पे आओ उसके बाद समझ में आ जाएगा सब। और यहाँ पर कोई धर्म का विभेद नहीं रहता, जैसे कि सोचो कि तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूँ, तो तुम सोचोगे कि ये मुसलमान कंट्री है तो ये देखो ये हिंदू है, निखिल कुमार नाम है, प्रॉब्लम नहीं है। बिहार हम सब लोग भाई भाई है,
एक ही कप में खाते हैं, इंडियन सब मुस्लिम ब्रदर्स खाते हैं और बाइंड भी चलते हैं। बता दो तुम सब बोलूं एक ही कप में खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एक ही टॉयलेट में आता है, यहाँ पर उस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर उस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बांग्लादेशी के साथ भी जो बोलो, हम इंडियन के साथ भी जो प्रॉब्लम नहीं होता। और आफ्टर ऑल हम सब पढ़ने आए हैं, जो चीजें वो पढ़ने आए हैं यहाँ पर, तो एक साथ ही एक दूसरे की मदद करेंगे। और समस्या होगी तो सीनियर्स भी मदद करेंगे, सीनियर्स जूनियर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम वर्ल्ड मत करो। लास्ट में एक ही बोलना चाहेंगे, बस नॉर्मल होकर रिलैक्स होकर अपना फ्रेश माइंड से आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि तुम एक मेडिकल फॉर्म में घुस रहे, एक प्रोफेशनल लाइफ में घुस रहे, तुम अपना एक उस दुनिया को छोड़ के आ रहे हो जहाँ तुम बीच में शायद तुम एक साल गैप की हो गए या छह महीना गैप की हो गए पढ़ाई में, डिस्ट्रेक्शन हो चुके हो गए, और यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स होके आना, अपना पूरा माइंड को फ्रेश कर लेना, यहाँ के नया स्टार्ट करना, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह अपना जिंदगी स्टार्ट करना, ठीक है? बस इतना ही कहेंगे, रिलैक्स एंड वेलकम टू द मेडिकल फील्ड, थैंक यू। तो लास्ट में यही बोलेंगे कि बांग्लादेश में कोई रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होते, तुम सब लोग आराम से आ जाओ एंड यहाँ पर आकर माहौल देखो, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर तुम्हें कोई क्वेरीज वगैरह कुछ है तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ बात करना हो तो कोई आईडी से मेंशन कर देगा कमेंट में। हां मैं मोहम्मद कौसिफ आलम, तो तुम कर सकते हो। हां चलेंगे, चलिए मिलते हैं, चलेंगे बहुत बहुत जल्दी अगले वीडियो में। गुड लक, बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। और सबको सुना एक बार, पहले मेन बात तुम लोग फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स हो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, अगर उसके बिना आए इसके बिना आए तो पहले सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हमारा चैनल किसने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं तो वहीं बैठ के सब्सक्राइब करवाऊंगा। मजा कर रहे, चलो जी, इट इज जस्ट चिल, ओके, डोंट माइंड, हैव अ नाइस डे। कोई वीडियो ना आएगा बनिए, मैं जानता हूं, मैं भी तो आऊंगा। अ हार्ट बीट to the city streets, we began to feel the fire. We ride.